खेतों में पराली जलाने को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसके लिए प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने खेतों में पराली जलाने के रोक के लिए लेखपालों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे पराली जलाने पर रोक लगाई जा सके। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ने के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। सीडीओ ने किसानों से अपील किया है कि खेतों में पराली कतई न जलाएं तथा प्रदूषण को बचाने से अपना सहयोग करें। आपको बता दें कि किसान अब धान की फसल को मजदूरों से ना कटवाकर कंबाइन से कटवा रहे हैं। मशीन फसल की बाली काट लेती है और धान को साफ सुथरा कर किसान को हाथों हाथ सौंप देती है। ऐसे में फसल का तना खेत में ही रह जाता है। इसे नष्ट करने के लिए किसान उसमें आग लगा देते हैं। यही आग वातावरण में जहर घोल रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। वही देखा जाए तो गीली पराली का धुआं ज्यादा खतरनाक होता है। इसे जलाने से हवा जहरीली हो रही है और लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पराली जलाने को सख्ती से रोकने का आदेश दे चुके हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, पराली को लेके जो शासन है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में बहुत इसको गंभीरता से ले रहा है। और इस बार भी जैसे पिछले साल हुआ था, सेटेलाइट से जहाँ भी कोई ऐसा घटना होगी तो वो सेटेलाइट के थ्रू पकड़ी जाती है और उसको पिन पॉइंट करके जो लेख का संबंधित लेखपाल है उसकी जिम्मेवारी फिक्स की गई है कि ये नहीं होने देना। और किसानों को जागरूक भी किया गया है इसमें और किया जाएगा, लगातार हम करते रहेंगे। और पुलिस को भी इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं मीटिंग करके। तीसरा, हमारे इस बार सरकार ने सब्सिडी में जो पराली को किस तरह से इसकी व्यवस्था करनी है, इक्विपमेंट जो दिए हैं कोऑपरेटिव्स को भी दिए हैं, FPOs को भी दिए हैं, पंचायत लेवल पे भी दिए हैं। तो मेरी अपील किसानों से यही है कि पराली जलानी नहीं है, उसको कभी जलाने से जो नुकसान होता है वो आप सबको ज्ञात है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मेरी अपील रहेगी कि पराली ना जलाएं, उसको या तो गौशाला में दे दें या फिर उसको रीपर लगा के पराली को मैनेज करें। धन्यवाद।